यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। व्यक्ति के अंदर अच्छी आदत के साथ साथ बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन क्या आपके अंदर बुरी आदतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और आप चाहकर भी इन आदतों से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी बुरी आदतों का कारण और निवारण आज गुरुदेव आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का भी हाल हम जानेंगे गुरुदेव से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि झूठ बोलने की आदत आखिर क्यों पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसके मुंह से हर बार झूठ ही निकलता है। गुरुदेव, इसके पीछे क्या कारण होता है और इसका निवारण क्या है? जनरली जो बुरे ग्रह कहे जाते हैं, वो बुरे ग्रहों को कारण बताया जाता है झूठ का। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जो शुभ माने जाने वाले ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, ये जब अपनी अच्छी स्थिति में नहीं होते और ये कमज़ोर होकर के बैठे होते हैं, तो पापी ग्रह अपने आप प्रबल हो जाते हैं, तो तब इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, आप देखते हैं जगह जगह लोगों के साथ में धोखे होते हैं, फ्रॉडियर है, फ्रॉड करके चले जाते हैं, ठगी करके चले जाते हैं। ये ठग कौन बनाता है? जब बुध और बृहस्पति, ये दोनों दुश्मन है, आपस में जब मिलते हैं तो इंसान को ठग बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जब शनि या शुक्र बहुत प्रबल हो जाते हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति, इनमें से ज़्यादातर ग्रह खराब होते हैं, तो इंसान छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलता है। जिस चीज़ पे ज़रूरत नहीं है उस पे भी झूठ बोलता है। चंद्रमा जब खराब होता है, इंसान दिल का अच्छा होता है, हर किसी के काम आने वाला होता है, कद्र करने वाला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बातों को, झूठी बातों को ही बढ़ा चढ़ा करके बताना उसकी आदत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही भाव आवेश होकर के किसी को भी वादे दे देना अपनी झूठी कहानी के अंदर और बाद में फंस जाना, ये सारे के सारे जितने भी बुरे हालात पैदा होते हैं, ये शुभ ग्रहों के अशुभ होने से होते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि आप मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, मीठी वस्तुएं चढ़ाएं, फल फ्रूट चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो इनसे सही मायने में मीठा चढ़ाने से मंगल शुभ होने लगता है। दूध, जल भोलेनाथ में चढ़ाना, दूध मंदिर में चढ़ाना, खोए की मिठाई चढ़ाना, इससे चंद्रमा भी अच्छा होता है। और किसी भी प्रकार का अनाज और दलिया, पहले दलिये का बहुत चलन हुआ करता था, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के अंदर वो दलिया घरों के अंदर बनाया जाता था और वो मंगल और सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपके घर पर भी कोई झूठा है, तो ऐसी अवस्था में उसको देसी घी का दलिया बना करके, जो कि गुड़ में बनाया जाए, अगर उसको आप खिलाते हैं और उसके हाथ से मंदिर में चढ़वा करके बंटवाते हैं, तो बच्चे की ये बुरी आदत ख़त्म होती चली जाएगी और बच्चा सच की तरफ बढ़ेगा। और जो जो भी इंसान अपने झूठ को त्यागना चाहता हो, उसको हर शनिवार को सरसों का तेल, उसके अंदर मोची वाली कील डालकर और सरसों के तेल से भर के मुँह देख करके दान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शनि की ऊर्जा को हमने कम करना है और सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, इनकी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो इस तरह से झूठ का पूरी तरह सफाया होगा और इंसान सही और सटीक बात करने लगेगा। तो देखिए गुरुदेव, जो बातें आज बता रहे हैं आज के कार्यक्रम में, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए पूरे कार्यक्रम को देखें, क्योंकि और भी कई बुरी आदतों पर बात आज हम करने वाले हैं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की तीन राशियों की। ये राशियाँ हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। बात करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आज जोश से अपने काम पे तो निकलेंगे, लेकिन काम के अंदर मिल रही तकलीफों के कारण कहीं मानसिक तनाव को ज़्यादा बढ़ा लिया तो दिन खराब होगा। इसीलिए हो सके अगर कोई काला सफ़ेद कंबल आपके घर पर है तो वो दान दें, नहीं तो काले सफ़ेद थोड़े तिल लेकर के दान दें या मंदिर में चढ़ाएं, तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि।
वृषभ राशि वालों का हर तरह से दिन उत्तम है। लिखने पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रुचिकर दिन रहेगा। कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता हो उसके अंदर जीत है और वैसे भी परिवार से मिलने वाले सुखों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। इसीलिए भगवान पे आस्था बना करके रखें और परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज गुस्से की प्रधानता होने के कारण स्वास्थ्य पे उसका असर देखा जा सकता है, जिसके कारण घर में और काम की जगह पे परेशान रहेंगे। इसीलिए सुबह वक्त में थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में अर्पित करके अगर दिन की शुरुआत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो अच्छा रहे। ऐसा कई बार होता है कि नशे की लत इंसान की कभी नहीं छूटती। कौन से ग्रह व्यक्ति को नशे का आदि बनाते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, जानते हैं गुरुदेव से। नशे की लत, कहते हैं जब चंद्र और बुध एक हो जाते हैं, है ये बाप बेटा, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक ही ट्रैक के ऊपर सोच चलती है इंसान की। जनरली इंसान क्या होते हैं, चंद्रमा यानी कि दिल और बुध यानी कि दिमाग, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आदमी अगर किसी से कोई एक बात कर भी रहा है तो दूसरी तरफ उसके मन के अंदर दूसरे ख्याल चल रहे होते हैं, ज़्यादातर इंसान ऐसे हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा और बुध इकट्ठा हो जाता है, ये वन ट्रैक सोच के ऊपर होते हैं। इनका दिल और दिमाग एक ही होने के कारण ये एक समय के अंदर एक ही बात सोच रहे या कर रहे होते हैं और ये दो चीज़ों में नहीं फंसते। और चंद्र और बुध का मेल जन्म कुंडली के अंदर जब भी होता है, या तो इंसान को बहुत गुस्सा और पागलपन की तरफ लेकर के जाता है या नशों की तरफ लेकर के जाता है। और यही कारण है कि जो बहुत ज़्यादा नशा करने वाला इंसान होता है या तो बहुत डरपोक होता है और या बहुत ही वो हिंसक हो जाता है, और ये चंद्रमा और बुध के मेल के कारण ही होता है। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान के घर पर जितना मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी लगा हुआ होगा, ये प्रॉब्लम उसको और बढ़ती है, ठीक है, वहाँ पर होता है। और इस योग के अंदर तरह तरह का झूठ, तरह तरह के बहाने बनाना, तरह तरह की चीज़ों के ऊपर एक नई चीज़ बना करके पेश करना, ये इन लोगों की ये भी आदत बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ से बुध को निकाल देना चाहिए। तो उसके लिए सही महीने में क्या करना चाहिए, देसी घी का हलवा ये बना करके, जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं, ये बना करके अगर हम छोटी छोटी कन्याओं को बुधवार को प्रसाद के रूप में दे करके पांवा लगा के आशीर्वाद लेते हैं तो ये नशे की आदत हटती है। दूसरा नशे की आदत कौन देता है, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और चंद्रमा दोनों ही खराब होते हैं तो ये वाला नशा कौन सा होता है, ये होता है कभी इंजेक्शन लगा लेना, कभी अफीम खा लेना, कभी कोई भांग खा लेना, कभी जो जिस तरह का, कभी वो कफ सिरप वगैरह पी लेते हैं। ये जो नशा है ये चंद्रमा और मंगल के खराब होने से होता है, और ऐसे में दिल के अंदर बल नहीं होता और इंसान बस जो अपनी सोच सोच रहा होता है वो हर वक्त एक ही बात बोलता है, मैं परेशान हूँ, नहीं तुम्हें ये नहीं आता, उसको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, बस एक मन के दायरे में ही कैद रहता है, ये वाला सबसे खतरनाक सीन होता है। और ऐसे में ज़िंदगी खत्म ही नहीं होती और चलती भी नहीं, तो इसको ज़रूर ठीक करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए आप 43 दिन तक 4 छुहारे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल के उनको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा होने के बाद उनको जाकर के कहीं बहती नदी नहर में उसको जाके जल प्रवाह करना है, ये 43 दिन करना होता है। और हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके वो बांटना होता है। ये आपको थोड़ी देर करना पड़ेगा, आप देखेंगे इससे इस प्रकार के नशे करने वाले, बदल बदल के नशे करने वालों को बहुत ही राहत मिलेगी। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि अगर नशे के आदि आप हो गए हैं और उससे आपको बचना है तो उपाय हैं, इन उपायों को ज़रूर आप फॉलो करें, हो सकता है आप इस बुरी लत से आपको मुक्ति मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। कर्क राशि वालों को आज देखी सुनी बात पे ही विश्वास करना चाहिए। किसी की बात सुनकर के गुस्सा बढ़ा करके अपने घर और बाहर को ख़राब करना आपके लिए आज उचित नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री मंदिर में अर्पित करें और अपने आप से वादा करें कि जो बात आपको स्वयं देखी सुनी हुई होगी उसी पे विश्वास करेंगे, तब दिन शुभ होगा। सिंह राशि वालों को आज सुबह सुबह ही मीठे चावलों का अगर भोजन करते तो वह ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि दिन शुभ है, इससे ऊर्जा मिलेगी और आपकी शुभता को और पॉजिटिव सोच को और बढ़ाएगी और काम और अच्छे होते चले जाएंगे।
घर के काम हो या बाहर के काम हो, हर तरह से उत्तम दिन होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर तनाव की स्थितियां अभी से बना ली और गुस्सा बढ़ा लिया तो चाहे परिवार हो या मित्रगण, उनमें खराबी, और अगर कामकाज पर निकलने लगे हो तो कामकाज में खराबी। तो इसीलिए थोड़ी सी कपूर की टिक्की है वो मंदिर में दे, और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगा करके निकले, तब दिन उत्तम हो सकता है। गुरुदेव, कुछ लोगों को खाना जूठा छोड़ने की भी आदत कई बार पड़ जाती है, इसके पीछे भी क्या कोई कारण होता है और इसका निवारण क्या है? बेटा, ये खाना जूठा छोड़ने की आदत के पीछे दो कारण है। एक है कि अपने अंदर आदतों का खराब हो जाना, और दूसरा है कि खाने को मन तो बहुत करना लेकिन पेट में उतनी जगह ना होना, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो छोटा होता है और चाहत बड़ी होती है। अब इसके पीछे दो ग्रह जिम्मेवार है। अगर तो बच्चा लापरवाह है, अगर वो जूते भी कहीं भी फेंकता है या कुछ भी इस तरह का करता है और खाना भी उसको इमीडिएटली चाहिए, उतावला है, हाइपर है, समझे, ऐसी अवस्था अगर है तो उसका सूर्य खराब है, हाइपर बच्चे का। और हाइपर बच्चे भी जो होते हैं खाना ज़्यादा डाल लेते हैं, खाते कम हैं। और दूसरा है मंगल का खराब होना, और अगर बच्चे की आंखों पे चश्मा है, बहुत ढीला ढीला घूमता है, समझ गए, और बहुत ज़्यादा मतलब कि लग के काम नहीं कर पा रहा है, पढ़ने बैठा है, बेशक पढ़ता तो रहे लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये दो रीज़न बनते हैं। अगर सूर्य खराब है, बच्चा हाइपर है और कहीं पर भी टिकता नहीं है और खाना बहुत ज़्यादा डाल के छोड़ता है, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान उस बच्चे से कराया जाए, काले और नीले रंग के कपड़ों से उसको परहेज करवाया जाए, यानी कि वो ना पहने, ठीक है। और अगर बच्चा हाइपर नहीं है लेकिन खाने की चाहत बहुत रखता है लेकिन उतना खाना खा नहीं पाता, तो ऐसी अवस्था में ये मंगल खराब होता है। और इसको दुरुस्त करने के लिए हर रोज़ सुबह पानी के गिलास में थोड़ा सा दूध डाल के, चार दाने चीनी के डालकर, उसको बरगद के पेड़ के ऊपर अगर चढ़ा के, जो पानी बह के नीचे आ जाता है, गीली मिट्टी का तिलक लगाए, तो इससे सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों ही अच्छे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप कहेंगे कि बरगद के पेड़ ही पे ही क्यों, आप जब बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, आप वहाँ से जल वाष्प होता हुआ देखेंगे। कारण क्या, बरगद के पेड़ के अंदर बहुत गर्मी होती है अंदर की तरफ, और जल चढ़ाने से जो वो सूर्य के कण, बरगद के अंदर सूर्य की यानी विटामिन डी वाले कण ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जल चढ़ाने से जल एकदम वाष्प होता है और वो विटामिन डी को साथ में अब्सॉर्ब करके जब आपके नथनों में जाता है तो मंगल शुभ होता है। और जिनका मंगल ज़्यादा खराब होता है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशेंसी उनके अंदर ही पाई जाती है। और गाँव में जो लोग बरगद के पेड़ के नीचे पूरा दिन बैठे रहते हैं, आप उनका टेस्ट करवा के देखिए, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही कम उनके अंदर पाई जाती है और वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हो सके पूरा परिवार ही जब मौका मिले बरगद के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठे, और इसीलिए इस पेड़ को बहुत बहुत शुभ माना जाता है और हमारे मंदिरों के अंदर लगाया जाता है विष्णु भगवान की पूजा के लिए। और गुरुदेव, अभी भी गांव में एक बरगद का पेड़ जरूर होता है, जरूर जहां होता पे बकायदा बैठकी भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बात आपने कही इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि बरगद का पेड़ शुभ होता है। गुरुदेव ने जो बताए हैं उपाय उसे जरूर आप ध्यान रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कैसे आज के दिन को वो बना सकते हैं शुभ। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन, यानी कि आज कार्य क्षेत्र में समस्याएं तो उत्पन्न होंगी लेकिन ठंडे दिमाग से काम किया तो हर तरह की समस्याओं को पीछे छोड़ करके शुभ फलों की प्रधानता आज आप पा ही लेंगे। और कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर चले तो शाम को जीत करके ही लौटेंगे। तो इसीलिए छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा देके आशीर्वाद ले और दिन के अच्छे की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का आज अपने काम में मन ही नहीं लगेगा और उसके कारण शरीर में आलस्य की प्रधानता, और उस आलस्य के कारण किसी ने कोई काम बता दिया तो वो खराबी होने वाला है। तो इसीलिए नहा धो के तैयार हो जाइए, बाहर किसी सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ पैसा दिला या कुछ खाने की चीज़ दे और परमात्मा का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें ताकि आप आज के काम संपूर्ण कर सकें। धनुराशि, धनुराशि वालों का दिन आज शुभ है।
अगर सुबह सवेरे पानी का कुंभ मंदिर में स्थापित करके माता का आशीर्वाद लेते हैं तो और शुभ होगा। और हर तरह से परिवार वालों के साथ कार्यक्षेत्र पर हर तरह से उत्तम दिन जाने वाला है। गुरुदेव, आज के समय की सबसे बुरी आदत जो है वो है देर रात जागने की। घंटों हम फोन चलाते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, समय पर सो नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या होता है और माता पिता को विशेष रूप से इसका निवारण बताएं। शनि जब जन्म कुंडली के छठे घर में होता है तो कहते हैं रात्रि में किए गए काम शुभ फल देते हैं। उसका कारण ये है, छठा घर जो होता है वो बुध का होता है और यहाँ पर शाम होते ही इंसान की सोच ज़्यादा प्रबल हो जाती है, ज़्यादा आइडियाज़ आने लगते हैं, ज़्यादा इंटरटेनमेंट चाहता है क्योंकि बुध इंटरटेनमेंट हो और म्यूज़िक वगैरह का कारक भी है, सुंदरता का कारक भी है और बिजनेस प्लानिंग का कारक भी है। तो इसीलिए शनि छः में हो तो रात्रि को काम करने की सलाह दी जाती है। इन लोगों की बुद्धि रात्रि के वक्त में बहुत अच्छा काम करती है लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार से शनि और बुध इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो दृष्टि से भी होते हैं, योग से भी होते हैं। तो जिनका भी शनि और बुध इकट्ठा होता है वो जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे वो अपने आप में खोने लगते हैं, इंटरटेनमेंट में खोने लगते हैं और लंबी लंबी प्लानिंग करने लगते हैं, लंबे लंबे विचार करने लगते हैं। और ऐसे लोग या तो खुशी में ये काम करते हैं या डिप्रेस मोड में ये काम करते हैं, ठीक है ना, दो ही तो मोड है, ठीक है। तो इन दोनों ही मोड को ठीक करने के लिए, इन शनि और बुध को ठीक करने के लिए जो लाल किताब के अंदर सर्वोत्तम उपाय आता है वो है शनिवार के दिन किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के अंदर जाकर के आम का पेड़ लगाया जाए, ठीक है। और अगर ये आप 27 हफ्ते तक कोई भी आम के पेड़ लगाते रहते हैं और वो बड़ा होने लगता है तो इससे ये दोष दूर होता है। अगर वो नहीं आप करना चाहते तो इन लोगों को खास तौर पे आम के मौसम में दो दुकानों से बराबर के आम खरीदने चाहिए, यानी दो आम यहाँ से ले लिए, दो आम दूसरी दुकान से ले लिए, ये लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को दान दे देना चाहिए। अगर ये हर साल 27 दिन तक ये उपाय करते हैं तो इनकी रात्रि को जागने की जो व्यथा वो खत्म हो जाएगी और ये सुख पाएंगे। और हाँ, खास तौर पे जो लोग डिप्रेशन में जागते हैं, डिप्रेस होकर के जागते हैं, रात को रोते भी हैं, उनके लिए ये उपाय अमृतमयी है। बस एक चांदी का चकोर टुकड़ा उनको अपने पास में हर वक्त रखना है। तो इसको करिए और सुख पाइए और आराम से चैन की नींद सोइए। तो देखिए, गुरुदेव ने आपकी समस्या का निवारण कर दिया है। अब एक और गंदी आदत कह ले या फिर बुरी लत कह ले गुरुदेव, वो है कई लोग ऐसे होते हैं जो घर को गंदा रखते हैं, साफ सफाई से मन चुराते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बेटा मंगल का अशुभ और खराब होना। और जितना मंगल खराब होता है आदमी उतना ही आलसी होता है और जितना मंगल खराब होता है उतना ही दिमाग को चलाने वाला होता है। जो लोग हर वक्त किसी ना किसी प्लानिंग में, यानी कि झूठी प्लानिंग में जो उनको सही लगती है उसके अंदर बिजी रहते हैं बेटा, वो आलसी होते हैं, नंबर एक ये। नंबर दो आलस का होना वो होता है शुक्र का खराब होना। शुक्र यानी कि हमारे शरीर के अंदर का जो जोश है उसका खराब होना। शुक्र वाइट सेल्स होते हैं हमारे और जो मंगल है वो रेड सेल्स होते हैं। तो ये रेड सेल्स और वाइट सेल का ही खेल है और इन दोनों में से एक भी खराब हुआ तो मुसीबत, और अगर ये दोनों ही खराब हुए तो महामुसीबत। तो ऐसे में आलस और बीमारी ये जो देता है ये वाइट सेल्स के खराब होना यानी कि शुक्र का खराब होना देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये लोग गंद पड़ा है पड़ा रहे, कपड़े गंदे हैं ठीक है, किस तरह के कपड़े पहने हैं कोई परवाह नहीं, नहाने धोने के लिए देरी, कई लोग तो दो दो तीन तीन दिन में नहाते हैं, समझ गए, और उनको कोई मतलब नहीं, चाव ही नहीं होता उनको नई चीज़ें खरीद करके नई चीज़ें पहने का। तो ये जो लोग होते हैं बेटा इनका शुक्र खराब। और इसको ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय हरा नारियल पानी वाला, इसके अंदर शुक्र और बुध की ऊर्जा होती है। ये अगर 43 दिन तक ये मंदिर में थे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ ही आते हुए गाय को कोई भी पेड़ा वगैरह दे के, चारा दे के, उसके शरीर पे 2-4-5 मिनट हाथ फेर करके आते हैं, इससे बीमारियां भी दूर होंगी और आलस भी दूर होगा। दूसरा है मंगल। मंगल वाले लोग बस सोचते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, कोई हमें अच्छा नहीं समझ रहा, वो मेरे बारे में बातें कर रहा होगा, ये जेलस भावना उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जेलस भावना के अंदर वो कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करके
लोगों को बेचारा बन बन के दिखाते हैं वो कि नहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे को तो ये भी प्यार नहीं करता, मैं उनके लिए ये काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मंगल के खराब होने की होती है, और ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसका ढक्कन बंद करके उसको वीरान ज़मीन में गहरा खड्डा खोद के दबाना चाहिए, चांदी की चेन धारण करनी चाहिए, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए और मंदिर के अंदर मीठे के दान का नियम बना लेना चाहिए या मीठे पीले चावल बना करके, जिसे ज़दा भी बोल देते हैं, अगर ये मंदिर में चढ़ा करके वो हर मंगलवार को बांटेंगे तो बहुत जल्दी ये दोष दूर होकर के इंसान नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाता है और वही उसके लिए अच्छी है, नहीं तो सारी उम्र के लिए बेचारा ही बन के रह जाता है। चलिए तो ये उपाय भी ध्यान में रखिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, मकर कुंभ और मीन राशि वाले आज के दिन को कैसे शुभ बना सकते हैं गुरुदेव से जानते हैं। मकर राशि वालों को आज कोई भी गाजर, मूली, शलगम या नींबू ही, पीले नींबू लेकर के मंदिर में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि आज बड़ा अटपटा सा दिन है, परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और उसकी वजह से मतभेद वगैरह भी बनेंगे, मन प्रसन्न नहीं होगा, तो परमात्मा को ये चीज़ अर्पित करने के बाद परमात्मा से आशीर्वाद लें कि वो आपके पूरे परिवार की रक्षा करें, मदद करें। कुंभ राशि वालों का बड़ा अटपटा दिन है, स्वास्थ्य में खराबी है और इसी की वजह से कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति, ये योग है, तो सुबह सवेरे थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी खांड लेकर के मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करें, इससे दिन शुभ हो सकता है। मीन राशि वालों के साथ आज कोई धोखा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सचेत रहें कि कोई भी आपके मेहनत को इस्तेमाल ना कर जाए और पेट का थोड़ा ख्याल रखें, अटपटा कुछ ज़्यादा ना खाएं। आपको भी दूध में शहद मंदिर में आज अर्पित करना चाहिए, तब दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, एक और बुरी आदत होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान को जगह पर नहीं रखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि सामान आप रखते हैं लेकिन कहाँ रखा ये भूल जाते हैं, ये आदत क्यों होती है और इसका निवारण क्या है? ये भी जो आदत है बेटा, ये केतु का खराब होना, समझ गए, यानी कि राहु और केतु एक ही होते हैं, आपस में साथ में बैठते हैं, एक तो ये इसका खराब होना, दूसरा ये एक तरह का पितृ दोष है। आप देखेंगे कि जिनको ये आदत है सामान रख कर के भूल जाने की और एक जगह सही जगह पे सामान ना रखने की, एक्चुअली में सही जगह सामान ना रखने की आदत भूलने की ही बीमारी, बल्कि बहुत बार घरों के अंदर लोग इस तरह के होते हैं कि जैसे माँ है वो बच्चे को कह रही है, पति है वो पत्नी को कह रहा है, या पत्नी पति को बोल रही है लेकिन उसको याद ही नहीं रहता, बार बार उसको वही काम रिपीटेशन में बताना पड़ता है लेकिन वो कभी सही करते ही नहीं, वो चप्पल जहाँ रखी वहाँ चप्पल रखी है, जहाँ कपड़ा रखा है वहाँ वो रखा हुआ, उठाते ही नहीं है, तो ये रियलिटी में भूलने की आदत के अंदर ही आता है और इसका कारण होता है बृहस्पति का खराब होना, केतु और राहु का खराब होना। तो ऐसे लोगों के खानदान में किसी न किसी को सांस, टीबी, पैरालाइज या फिर इसके अंदर किसी न किसी तरह की मानसिक दिक्कत खानदान के अंदर किसी न किसी को रही होती है, तो उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम में होती है, तो इसीलिए इसको दुरुस्त करने के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन, मतलब कि केसर के अंदर, दूध के अंदर केसर डाल के उबाल के उसको ठंडा करके ये सुबह सवेरे खाली पेट पिया जाए, इसका बहुत बहुत बड़ा लाभ होता है। ठीक है, ये जो केसर होता है ये भी अपने आप में एक शुभ वाला तेजाब होता है जो अंदर जाकर के एक बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं पैदा करके हमारी नसों को खोलने का काम करता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा सोखने का काम करता है और दिमाग तक, नसों के तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, केसर इतना फायदेमंद है, इसीलिए सोने से भी महंगा है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इनको सोमवार और बृहस्पतिवार को इनको केसर को उबाल के ठंडा करके वो पीना चाहिए सुबह के वक्त में, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए और काला सफ़ेद कंबल महीने में एक बार 100-200 रुपए का आता है वो दान करना चाहिए और राहु की वस्तुएं यानी कि बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान इनको अपने बेड के अंदर, अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान इनके आसपास होगा इनकी भूलने की बीमारी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और अगर इनके बेड के पास में जूते चप्पल का स्टैंड है
या ड्रॉ बना रखे, उनके अंदर जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो बेटा इनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए सोने वाले कमरे के बाहर जाकर के जूते चप्पल का स्टैंड बनाएं तो वो ज़्यादा उत्तम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बुरी आदत की बात करते हैं, गुरुदेव से उसके उपाय जानेंगे। ये आदत है अपशब्द बोलने की। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, ये बात उनके लिए आम सी हो जाती है। इसके बारे में गुरुदेव से जानते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या होता है कि जिससे कि इस बुरी आदत से बचा जा सके। अपशब्द बोलने वाले जो लोग होते हैं वो बातों बातों में गाली उनके मुंह से निकल जाती, पता ही नहीं चलता। वो अगर भाव विभोर होकर के भी कोई काम करेंगे तो तब भी गाली निकल जाती है, कड़वा वचन निकल जाता है। और वो अपने आप को इतने ज़्यादा समझदार समझते हैं कि उन्हीं को राइट है बोलने का, सही और गलत बताने का। इन लोगों को जीवन के अंदर, जीवन काल में कमर, पांव, पेशाब वाली जगह, इससे संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, या किडनी लीवर से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत इनको आनी होती है। क्योंकि इसको बोलते हैं मंगल और केतु का मेल होना, और मंगल और केतु जब भी मिलते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इन हिस्सों के ऊपर राज करने वाले हैं, ये किसी न किसी रूप में उसको भी ख़राब करते हैं। और ये तो साफ ही पता चल जाता है, जब इंसान को अपशब्द बोलने की आदत होती है तो इस तरह का काम उसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इन दोनों ग्रहों को ठीक करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और इसको ठीक करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है घर के अंदर कुत्ता पाल लेना, और अगर कुत्ता नहीं पाल सकते तो बाहर कुत्तों की सेवा करना। अपने कान को छिदवाकर उसके अंदर सोना डालना, चाहे उसमें स्टड डालें, चाहे उसके अंदर रिंग डालें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोना पहन डालना, ये बहुत ज़रूरी होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके कान छिदे हुए हैं लेकिन कोई काला, नीला, पीला रिंग डाल लेते हैं, किसी और ही धातुओं का डालते हैं। वो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर कभी भी बहुत अच्छी वाली स्टैंडिंग नहीं ले पाते। अगर वो एक बार को कामयाब हो भी जाएं तो वो लाइफ के अंदर वापस ज़रूर गिरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि दे करके कामयाब करना चाहते हैं तो कान के अंदर सोना लड़कों के बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों के तो है ही है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और मंगल के दान के अंदर क्या होता है कि आप लड्डुओं का दान करें, जो बूंदी वाले रस जिनके अंदर भरा होता है, बूंदी वाले लड्डू लेकर के हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ा करके उसके प्रसाद के रूप में भोग लगाएं, या बूंदी तो चढ़ाते ही हैं। तो ये दो उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं, और साथ में इनको काला सफ़ेद कंबल का दान बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, अब एक और बुरी आदत की बात करते हैं गुरुदेव से। आदत है, कई ऐसे लोग होते हैं गुरुदेव जो कि हर बात पर टोका टाकी करते हैं, हर बात पर टोकते हैं, ये बुरी आदत कैसे खत्म हो सकती है, इसके उपाय क्या है? ये जो टोका टाकी करने वाले, आप देखेंगे कि दो जानों की बात चल रही है, बीच में ही आकर के अपनी वो डॉक्टरी झाड़ने लगते हैं, ये वाली प्रॉब्लम होती है। और कोई भी बात होती है, अगर वो मान लो स्विट्जरलैंड नहीं गए ना, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड का पूरा भौगोलिक नक्शा सामने वाले को बता देना है, वो खुद भी कभी गए। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ जिसके बारे में वो जानते भी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उनको नॉलेज, जिसको आजकल बोलते हैं यूट्यूबर डॉक्टर या बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर, ठीक है, ये वही लोग होते हैं बेटा। और ये चीज़ जो पैदा करता है, ये करता है बुध का खराब होना और बृहस्पति का खराब होना, यानी कि दोनों ही ग्रह खराब अवस्था में हो लेकिन शुभ स्थान पर बैठे हुए हो, तो ऐसे में इंसान इस तरह का समझदार होता है। तो इसके लिए इनको करना क्या चाहिए, जिस कमरे के अंदर ये सोते हैं उसके अंदर बहुत सारी किताबों का ढेर लगा के रखना, बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा करके रखना, नए पुराने संभाल संभाल के रखना, बिस्तर के अंदर यानी कि बेड के अंदर जो बक्सा बना होता है उसके अंदर कपड़े ही कपड़े ठूसे हुए हों, या रद्दी जिस तरह की अखबारों की रद्दी या कोई भी ये रखी हुई, बच्चों की किताबें रखी हुई है, ये बुध की एनर्जी को बहुत इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये आदत नहीं जाती। तो इनको ये रद्दी या किताबें ये, या जो यूज़ नहीं करते, जो रेगुलर नहीं बदले जाते हैं कपड़े, ये कपड़े निकाल के अपने कमरे से बाहर कहीं रखने चाहिए। एक तो ये, और दूसरा बृहस्पति को शुभ करने के लिए इनको बृहस्पति वार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अगर लड़की या औरत है तो बृहस्पति वार का व्रत रख करके पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे बृहस्पति और बुध दोनों ही दुरुस्त होने लगते हैं। और अगर मर्द है तो ऐसे में सूजी का केसर वाला हलवा बना करके वो बृहस्पति वार को ज़रूर बांटना चाहिए,
इससे बहुत लाभ होता है। और अगर वो भी नहीं तो मीठे पीले चावल भी बना करके ये बांट सकते हैं। इससे फिर बृहस्पति और बुध दोनों दुरुस्त होने लगते हैं और ज़िंदगी के अंदर आप फिर एक अच्छे ज्ञान के ऊपर ही बोलेंगे, बेमतलब नहीं बोलेंगे। तो कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ जरूर सकता है। और अगर ये भी ना हो पा रहा हो तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आज के कार्यक्रम में ज़रूर इसे ध्यान से सुने, नोट कर ले और इसे फॉलो करें। यकीनन आपको बुरी आदतों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए तो इसके लिए एस्ट्रोसाइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रोसाइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।